लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल करीब आ चुके हैं और हर प्रतिष्ठित सीट पर दमदार उम्मीदवारों की खोज भी जारी है। आइए बात करते हैं प्रयागराज के पास फूलपुर सीट की, जहां से कभी जवाहरलाल नेहरू भी चुनाव लड़ चुके हैं। गांधी परिवार की इस सीट पर आपको बता दें कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों लालटेन लेकर ढूंढ रही हैं एक दिग्गज उम्मीदवार। कौन होगा उम्मीदवार, किसके सर ये सेहरा बंधेगा, इसी पर हमने ये वीडियो बनाई है और आप सुनिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं। हुआ था और कांग्रेस 3% वोट हम लोग पा जाते तो बीजेपी को हरा देते। इनकी बीजेपी चाहे इतनी बड़ी पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी चाहे जितनी बड़ी पार्टी है, लेकिन वोट तो लोकल लोग देते हैं। ये बुनियादी लोकल बुनियादी क्या है, मुद्दा क्या है आप जानते हैं। गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। कोई परीक्षा आज तक इनकी सफल नहीं हुई है। 9-9 पेपर, 10-10 पेपर इनके लीक हो गए हैं, लड़ाई देख रहे हैं। फूलपुर में लगभग एक लोकसभा में आप जानते हैं कि कम से कम 16-17 लाख वोट होते हैं। और वहाँ यादव और मुस्लिम और पटेल, हमारी समाजवादी पार्टी वहाँ पे पटेल को लड़ाएगी चुनाव। पटेल वहाँ बाहुल क्षेत्र है और उसके बाद में हम समझिए कि हम लोग चुनाव वहाँ फूलपुर में जीत जाएंगे। एक बार चुनाव वहाँ लड़े थे हम लोग, बहुत ज़्यादा वोट पाए थे, 3 लाख वोट पा के हम लोग हारे हैं, तो हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये बहुत बढ़िया समीकरण हम लोग का है। इंडिया गठबंधन 3% वोट जो है राहुल गांधी के आने से हम लोग का अब 6% वोट पाए थे, ये कांग्रेस 6% वोट पाए थी। अगर यही 6% वोट हमको मिल जाता विधानसभा में तो आज हमारी सरकार होती। यहाँ के लोग मेहनत करें और गुजराती लोग जो है राज करें, ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग इनका पूरा विरोध करेंगे और इंडिया गठबंधन आप समझ लीजिए जमुना पार में जितने विधानसभा है सब विधानसभा में 75,000-80,000, हमारे दक्षिणी में 75,000 वोट पाए थे। ये लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करें अगर बीजेपी वाले, ये कोई चुनाव जीत ही नहीं पाए। जनता का अपना दल यस के बारे में कहा जाता है कि वो फूलपुर उनको चाहिए, उनको इसे मिर्जापुर और रावर्सगंज पिछली बार दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन एनडीए गठबंधन में वो क्षेत्रीय दल है, उसकी सीटों की संख्या बढ़नी है और चर्चा ये है कि जो है अपना दल यस के खाते में फूलपुर जा सकती है। देखिए अभी घोषणा नहीं हुई है और नेता लोग जो है वो लगे हुए हैं, कुछ जो भाजपा के नेता वो चाहते हैं कि भाजपा में रह जाए और अपना दल के नेता चाहते हैं अपना दल में रह जाए। यह एक कयास है, अंदाजा लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि नागेंद्र पटेल जो पूर्व सांसद थे समाजवादी पार्टी से, उपचुनाव में जीते थे, वो अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उन्होंने अपना दल यस की तरफ से 5ों विधानसभा, जिसमें शहर उत्तरी, शहर पश्चिमी, फूलपुर, फाफामऊ और सोराव, 5ों विधानसभा में उन्होंने पैदल यात्रा किया था, उन्होंने जमीन तैयार किया था और वो चाहते हैं कि जो है अपना दल यस को ये सीट जाए। तो बहुत संभावना, अगर अपना दल यस को सीट जाती है तो नागेंद्र पटेल, भानु प्रताप पटेल और राम लखन पटेल में से ही कोई जो है उम्मीदवार होगा। जैसा कि हम लोगों को सूचना मिला है कि फूलपुर सीट अनुप्रिया पटेल के खाते में जा रही है, तो चाहे अनुप्रिया पटेल लड़े चाहे भारतीय जनता पार्टी लड़े, कोई भी लड़ता है समाज के लिए कोई काम नहीं किए हैं। यहाँ तक कि हमारे समाज का ही सांसद था और उधर फिर समाज के एक बड़े नेता की लड़की है जो अपना दल यस वारिस, अपने आपको बताते हैं पटेल समाज खासा नाराज है इन लोगों से। ये 10 साल के शासनकाल में पटेल समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, मात्र अपना परिवार बढ़ा रहे हैं दोनों लोग। जो समाजवादी पार्टी यहाँ से लगभग 3-4 बार समाजवादी के लोग जीते हैं और कांग्रेस राम पूजन पटेल के बाद यहाँ चुनाव लोकसभा नहीं जीत पाए हैं और हमको इसके बजाय हमको प्रयागराज इलाहाबाद सीट 52 नंबर दिए हैं, बनारस भी मिला है। हमको बहुत अच्छा चांस है कि मोदी को हराने का,
हम मोदी हरा देते हैं तो सारा काम ही खत्म है।